हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारे चैनल रेडी स्टूडियो सटकल अकेडमी में स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को, जीके सामान्य ज्ञान के अंतर्गत प्राचीन इतिहास से क्वेश्चन लिया गया है। यदि आप CGPSC सचिव व्यापन के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी हाल ही में छात्रावास अधीक्षक और बहुत सारे वैकेंसी निकले हुए हैं जिसमें इतिहास से क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके लिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखें। अगर चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और कमेंट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथन वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था से संबंधित है। तो पहला स्टेटमेंट है, इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया। दूसरा स्टेटमेंट है, इसमें वासुदेव कुटुंबों की भावना निहित है। तीसरा स्टेटमेंट है, इसने कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। तो उत्तर निम्नलिखित कूट के आधार पर दीजिए। तो पहला ऑप्शन ये दिया है, 1, 2 एवं 3 सही हैं। ऑप्शन बी दिया है, 1 एवं 2 सही हैं। ऑप्शन सी दिया है, 2 एवं 3 सही हैं। ऑप्शन डी दिया है, 1 एवं 3 सही हैं। तो देखिए कौन सा इसका राइट आंसर है। तो देखते हैं, इसने पूछा गया है वैदिक संस्कृति की मूल्य व्यवस्था से संबंधित है, ठीक है। तो इसने सामाजिक धार्मिक संस्कारों को स्थापित किया है, ये तो सही है, ये संबंधित है आपके मतलब वैदिक सांस्कृतिक मूल्य से। और दूसरा स्टेटमेंट दिया है, इसमें वसुदेव कुटुंबम की भावना निहित है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है क्या है, इससे संबंधित है वैदिक संस्कृति के मूल्य से, ठीक है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया है, इसने कठोर सामाजिक व्यवस्था को प्रोत्साहित किया। तो ये जो स्टेटमेंट है वैदिक सांस्कृतिक मूल्य से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी है, 1 एवं 2 सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, सत्यमेव जयते किस उपनिषद की उक्ति है। ऑप्शन ए मुंडक उपनिषद, ऑप्शन बी कठोपनिषद, ऑप्शन सी केनोपनिषद, ऑप्शन डी छंदोयोग उपनिषद, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इसका राइट आंसर क्या है, मुंडकोपनिषद है, ठीक है। तो सत्यमेव जयते की अगर हम बात करें तो मुंडकोपनिषद से उक्ति है, ठीक है। सत्यमेव जयते की अगर बात करें तो मुंडकोपनिषद की उक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इसका। चलो क्या कलर रखे जाए, ब्लैक रख लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर, किसके समय में हूणों ने भारत में हमला किया। ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। तो पूछा गया है कि किसके समय में हूणों ने भारत में हमला किया, ठीक है। तो हम बात करें हूणों की हमला की, तो कुमारगुप्त के अंतिम समय में हूणों ने भारत पर हमला किया था, ठीक है। पर हूणों के हमले जो है स्कंदगुप्त के शासनकाल में बढ़ गए थे और स्कंदगुप्त ने उन्हें पराजित करने में सफल रहा। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या है, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त, ठीक है। किसके समय में उन्होंने भारत में हमला किया, तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। ऑप्शन ए राखाल दास मुखर्जी तथा दयाराम साहनी, ऑप्शन बी जॉन मार्शल तथा ईश्वरी प्रसाद, और ऑप्शन सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रंगनाथ राव, और ऑप्शन डी माधव स्वरूप वत्स तथा वीवी राव, ठीक है। तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, राखाल दास मुखर्जी तथा दयाराम साहनी होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, राखाल दास मुखर्जी तथा दयाराम साहनी, ठीक है। तो राखाल दास मुखर्जी जो है मोहनजोदड़ो की खोज किया था, और दयाराम साहनी की अगर बात करें तो हड़प्पा की खोज किया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन दो भारतीयों के नाम जुड़े हैं वे हैं राखाल दास मुखर्जी तथा दयाराम साहनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। तो क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था। ऑप्शन ए दिया है जॉन टावर, ऑप्शन बी दिया है हैरी स्मिथ, और ऑप्शन सी दिया है चार्ल्स मेटकॉप, और ऑप्शन डी दिया है जेम्स प्रिंसेप।
तो इसका राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, जेम्स प्रिंसेप है। ठीक है, अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाले प्रथम अंग्रेज कौन था, तो जेम्स प्रिंसेप प्रथम अंग्रेज थे जिन्होंने अंग्रेजों के शिलालेख, सॉरी अशोक के शिलालेख को पढ़ा था। ठीक है, पढ़ने वाला अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज की अगर बात करें तो जेम्स प्रिंसेप थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन आ गया आपके स्क्रीन पर, महावीर स्वामी ने किस भाषा में उपदेश दिए थे, तो ऑप्शन ए दिया है पाली, ऑप्शन बी दिया है संस्कृत, और ऑप्शन सी दिया है अर्धमागधी, और ऑप्शन डी दिया है गुजराती। तो इसके अगर हम राइट आंसर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, प्राकृत अर्धमागधी। महावीर स्वामी ने उपदेश दिया है प्राकृतिक अर्धमागधी भाषा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया, क्वेश्चन नंबर 7 है, एक मिनट अरेंज कर लेते हैं। निम्न में से कौन सी कृति किसी विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है, ऑप्शन ए अज्ञावल्क्य स्मृति, और ऑप्शन बी दी है अर्थशास्त्र, और ऑप्शन सी दी है अष्टाध्यायी, और ऑप्शन डी दी है मनुस्मृति। तो पूछा गया है कि कौन सी कृति जो है विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करती है, तो इसका राइट आंसर की बात करें तो मनुस्मृति है। ठीक है, तो मनुस्मृति जो है विधवा के पुनर्विवाह को प्रतिबंधित करता है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपकी स्क्रीन पर। तो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन थे, ऑप्शन ए दी है इंद्र, ऑप्शन बी दी है सोम, ऑप्शन सी दी है अश्विन, और ऑप्शन डी दी है प्रजापति। तो उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता की अगर बात करें तो प्रजापति थे। ठीक है, प्रजापति जो है उत्तर वैदिक काल के सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपका 9 आ गया आपकी स्क्रीन पर। ऋग्वेद के गायत्री मंत्र के रचयिता कौन थे, ऑप्शन ए दी है विश्वामित्र, ऑप्शन बी दी है अंगिरस, और ऑप्शन सी दिए है वशिष्ठ, और ऑप्शन डी दिए है अगस्त्य। तो इसके राइट आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन ए विश्वामित्र होगा। ऋग्वेद की गायत्री मंत्र की रचयिता की अगर हम बात करें तो क्या है इसका सही आंसर, विश्वामित्र है। ठीक है, तो ऋग्वेद की गायत्री मंत्र की रचयिता विश्वामित्र है, ध्यान में रखिएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया हुआ है, बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित कलात्मक धार्मिक प्रतीकों को सही सुमेलित करने वाले कूट को चुनिए। सूची अ में दिया हुआ है, पहला अ दिया है बुद्ध का जन्म, ब दिया गृह त्याग, और स दिया है ज्ञान प्राप्ति, और द दिया है निर्वाण। अगर हम सूची ब की बात करें तो पहला दिया है पच्चीन, दूसरा दिया है वृक्ष, तीसरा दिया है घोड़ा, और चौथा दिया है कमल। तो चलो इस मतलब जोड़ी मिलाना है आप लोगों को, सुमेलित करना है, सही सुमेलित करना है। तो बुद्ध की अगर हम जन्म की अगर बात करें तो उसके जो प्रतीक है कमल है। ठीक है, बुद्ध के जन्म की प्रतीक की अगर हम बात करें तो कमल है। चलिए तो मिलाते हैं, बुद्ध के जन्म की अगर बात करें तो कमल, और गृह त्याग की अगर बात करें तो घोड़ा, अगर ज्ञान प्राप्ति की बात करें तो वृक्ष, और निर्वाण की बात करें तो पदचिन्ह। ठीक है, मतलब अ का क्या हो गया 4, और ब का क्या हो गया भाई आपका 3। ठीक है, और स का क्या हो गया आपका 2, और द का क्या हो गया आपका 1। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखें, ऑप्शन अ दिया है 2, अ का दिया है 2। ठीक है, तो अ का क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो हमारा ये ऑप्शन तो सही नहीं है, पहले से ही हमें पता चल गया अ का 4 आना चाहिए था। तो ऑप्शन बी में देखें तो अ का 4 है, मतलब सही चल रहा है, ब का 3 है, सही है, स का 2 है, राइट है, और द का 1 है, राइट है। तो मतलब हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से क्वेश्चन का आंसर मिल गया, तो अगले ऑप्शन को देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये थे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आप लोग अगर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जैसे कि छात्रों शिक्षक और व्यापम द्वारा पीएससी द्वारा छात्र शिक्षक एग्जाम पीएससी द्वारा लिया जाना है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो धन्यवाद।